आंटी की शादी होती है। ओ जाए। Happy birthday dear Ummit. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube सन्नी family vlog। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ बहुत दिनों के बाद। तो व्लॉग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आज जी मैं आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ। सबसे पहले जी मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स के आपके बालों का जो कलर आपने अप्लाई किया है उसका रेट बता दें, वो कितने का कलर है और मार्केट से कितने का मिलेगा। 1500-1600 की रेंज में आपको ये कलर मिल जाएगा, सिल्की का ये कलर था और मैंने वीडियो में मेंशन भी कर दिया था। आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए जी कि मैंने कितनी प्राइस बताई थी। प्राइस में कोई 50-60 का फ़र्क भी हो सकता है लेकिन अभी ये 1500-1600 की रेंज में ये सिल्की का जो कलर है वो मिल रहा है। और बाकी जी बहुत सारी मेरी व्यूअर्स मुझे याद कर रहे थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी दिन वीडियो नहीं ला सकी, दरअसल मैं वीडियो इसलिए नहीं लाती कि मेरे पास वीडियो में कुछ होता ही नहीं है बनाने के लिए, तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना और फिर मैं काफ़ी दिन के बाद जो ना वो वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें ताकि मैं रोज़ नई नई वीडियो लेके एनर्जी जो है ना वो मिलती रहे और मैं इसके साथ जो ना वो डेली व्लॉगिंग कर शुरू कर दूँ। तो बाकी जी अभी हमारी उम्मे जो है वो इधर बैठ के टीवी देख रही है, ये देखें जी उम्मे बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, नहीं करना, वालेकुम सलाम, टीवी की आवाज़ बंद करो। ये देखें जी यहाँ पे बैठ के ये टीवी देख रही है, टीवी की आवाज़ बंद जल्दी से करो, कॉपीराइट आ जाएगा। उम्मे से मैंने ना दिन में एक सवाल पूछा था और अभी मैं चाह रही हूँ आप सब व्यूवर्स के भी वो वाली सवाल पूछूं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे उस सवाल का कमेंट दें। ये बड़ी बदतमीज़ हुई हुई है, अभी मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है और चलिए जब तवज्जो देगी ना फिर आप लोगों के साथ अपना वो वाला सवाल जो है ना वो बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही है, टीवी देख रही है, टीवी में मगन हुई है। तो अब चलें जी इसको पहले मूड थोड़ा सा ठीक करते हैं फिर आप लोगों से आके मिलते हैं। और अभी ये टीवी की आवाज़ बिल्कुल ऐसा नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जी हमें जो उम्मे जो है वो आ गई है और अभी उम्मे से सवाल पूछते हैं। उम्मे आपसे आज का सवाल ये है कि वो कौन सा ऐसा रिश्ता है, वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो माँ का माँ की दादी और बच्चों की नानी है, और बच्चों की नानी। आप सब व्यूअर से भी ये सवाल है अगर आप लोगों को पता है कि वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो कि माँ की दादी है और बच्चों की नानी है, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में जवाब देना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका जवाब दूंगी। वैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत सयाने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बड़ी जल्दी से इसका जवाब दे देंगे। मैं फिर से एक दफ़ा दोहरा देती हूँ, वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो माँ की दादी और बच्चों की नानी होती है। तो फ्रेंड्स अभी है उम्मे की बर्थडे आज रात को और मैंने उम्मे के लिए ना सरप्राइज़ ऐसा जैसा कि मुहर्रम है और हमने बर्थडे नहीं करनी और अम्मी का ख़त्म भी है कल, और मैंने उम्मे के लिए ना छोटा सा मैंने और बाजी ने ना उसको सरप्राइज़ देना, उसको KFC बहुत पसंद है तो मैंने भी घर पर जो है ना वो ऑर्डर कर दिया KFC, तो बस अभी आता है और फिर जो है ना उसको सरप्राइज़ देंगे। अभी उसको बिल्कुल नहीं पता कि हमने KFC ऑर्डर किया, तो मेरा ऑर्डर हो गया है, ये देखिए और यहाँ पे जी हमारा KFC आ गया और बर्थडे गर्ल भी आ गई है यहाँ पे KFC, और अभी ये उम्मे की फेवरेट चीज़ हमने मंगाई है कि उम्मे शौक से खाती है बर्गर, और यहाँ पे हैं जी चिकन पीस, जिंगर बर्गर और ड्रिंक उम्मे के लिए। उम्मे आज का सरप्राइज कैसा लगा? उम्मे आज आपको बिल्कुल शक नहीं पड़ा ना? ज़रा सा भी उम्मे को आज शक नहीं पड़ा कि आज, वरना राइडर की कॉल आती है ना तो उम्मे पहले कॉल उठाती है बाहर चीज़ लेने उम्मे जाती है, लेकिन आज उम्मे को ज़रा सा भी शक नहीं पड़ा। और मैं अभी बाहर लेने गई ना तो मैं उम्मे को कह के गई हूँ मैं ज़रा क्रीम लेके आई अपनी, और यहाँ पे उम्मे का सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। और सब कुछ खाने के बाद अभी भी उसी का उसी तरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे चिकन पीस है, वहाँ पे जिंगर है और ये केक है, और हमने सिर्फ एक एक जिंगर खाया है और बस बस हो गई है।
o'clock midnight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Umme. तो उम्मे की बर्थडे स्टार्ट हो गई है, अभी 12 बज गए हैं. सबसे पहले विश मैंने किया है टिकटॉक पे, मैंने किया, आप लोग भी जाकर देखिए. मैंने उम्मे को सबसे पहले टिकटॉक पे विश किया है और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना वो उम्मे को विश किया है. तो मैंने अभी तक टिकटॉक की वीडियो नहीं देखी, आप लोगों ने देखी है तो आप लोग भी जाकर देखिए. उम्मे को भी मैंने विश कर दिया है. तो चले जी, अब मिलते हैं सुबह, और सुबह उम्मे की बर्थडे है. और अभी उम्मे 12 बजे आइसक्रीम खाते हुए और यहाँ पे मेरी और यहाँ पे मैं व्लॉग देख रही हूँ. और यहाँ पे उम्मे आइसक्रीम खा रही है और यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ. The next day. Hello friends, good morning. और अभी यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ, हाला बना रही है. वैसे मैं पास खड़ी होके बस ना हिला जा रही हूँ. आज अम्मी का जो है ना वो ख़त्म है, अम्मी का जो सालाना ख़त्म है. तो हमने सोचा कि मुहर्रम भी है और साथ में जो है ना वो सालाना ख़त्म है अम्मी का, तो घर में खीर बनाते हैं. अभी मैं फाइनली घर में खीर बना रही हूँ, खाला की हेल्प कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि आप लोगों से अपनी खीर का जो है ना रिव्यू शेयर करती हूँ. तो यहाँ पे देखें जी, अभी मैंने यहाँ पे जिसमें चावल डाले हैं ये थोड़ी खुश होती है, फिर इसके अंदर लजीजा खीर भी बनाए. यहाँ पे खाला जो है ना वो हंडिया भी साथ साथ बना रही हैं. और यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे ये देखें जी, बीच में हमने चावल डाले हैं, चीनी भी डाल ली है और दूध भी डाल लिया है. अभी थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे जब ये थोड़ा सा खुश्क होगा, फिर ताकि थोड़ी सी ज़्यादा खीर बने, सारी तरफ बांध सकें. तो अभी बाहर बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, धूप है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ये भी टी 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 आ रहा है. तो आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी. तो चलें जी, अभी जब बंद होता है तो फिर आप लोगों के साथ अपनी खीर जो है ना वो फाइनल शेयर करते हैं. यहाँ पे ये अभी प्रेशर जो है इसको बंद कर दिया है और यहाँ पे खीर अभी इतनी सी बनी है. और यहाँ मैंने ना अपने पेट पूजा और शुरू कर दिया अपने लिए रखा हुआ था. और अभी ये मिल्क जो है ना मैं बीच में और ऐड करने लगी हूँ, खाला ने होता है. और अभी इसको थोड़ा सा हिलाते हैं. और अभी इसमें खीर हमने डालनी है, चावल डाले हैं, खीर अभी डालेंगे थोड़ा सा. ये रात को जो हमने जिंगर मंगवाया था और KFC मंगवाया था, ये रात का पड़ा हुआ है. और अभी उम्मे अपनी पेट पूजा करने लगी है. और अभी यहाँ पे लजीजा खीर जो है वो डालने लगी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये देखिए, अभी मैं एक डिब्बा डाल रही हूँ, दूसरा जो है थोड़ी देर के बाद डालूँगी. और ये डाल दिया जी एक डिब्बा. खाला ने बोला है कि अभी एक डालो. और अभी मैंने दूध वो जो डिब्बा मैंने रखा था ना वो सारा मैंने ऐड कर दिया. दूसरा पैकेट भी क्या खीर का. 5 hours later. और अभी हम कब्रिस्तान जा रहे हैं. ये मैंने फूल पकड़े हुए हैं जो कि आज हमें इतने कम मिले हैं, 200 के. ये ज़रा से फूल आ गए, 200 के इतने ज़्यादा मिलते हैं और आज 200 के ये ज़रा से फूल मिले हैं. और ये चावल आए, गिरने लगी थी मैं. और ये चावल और ये खीर जो है ना हमने डिब्बे में डाल ली है. वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें बांट देंगे हम. और अम्मी की कब्र पे और अब्बू की कब्र पे जाएंगे. और अभी जी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, न्याज जो है इनको यहाँ पे देंगे और फिर कब्रिस्तान जाएंगे. ये कब्रिस्तान के पास ही घर है तो यहाँ पे जो है ना वो सबको न्याज दी है. और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से न्याज बांटी गई. बारिश फ्रेंड्स शुरू हो गई है और वो बाजी बांट के जो है ना वो सारा आ रही हैं. अभी हमने अम्मी की कब्र वाली साइड पे जाना है. बारिश ये देखें फ्रेंड्स, बकरी हमारे पीछे आई है, उसको चावल डाले हैं और उम्मे भागी है डर के कि मेरे पीछे ना पड़ जाए. तो माशाल्लाह माशाल्लाह कब्रिस्तान आज जो है ना वो माशाल्लाह बहुत प्यारा साफ़ हुआ हुआ है. और हम सातवीं मुहर्रम वाले दिन आए हैं इसीलिए पहले आए हैं कि पहले जाके कब्रें शब्रें देख लें, कोई सफाई शाई. अल्हम्दुलिल्लाह आज कब्रिस्तान जो ना अच्छे से साफ़ हुआ है. यहाँ पे थोड़ा सा ये है लेकिन मिट्टी डालने वाली है, लेकिन कब्रिस्तान साफ है. मेरी अम्मी की कब्र, आप सब ने भी मेरी अम्मी के लिए दुआ करनी है. अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत उल फिरदौस में आला मुकाम दें, आमीन. बारिश में धूप आंटी की शादी होती है. आमीन. रसीम के साथ बाहर भी चली जाए, फिर ज़्यादा आगे दूंगी पैसे.